देख रहे हैं शुभ 24 प्राइम टाइम राजस्थान में आप सभी का स्वागत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ तमाम बड़ी खबरों के साथ। सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत जानने के लिए सत्ता और संगठन की ओर से आज से विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद किया जा रहा है। आज अजमेर और जोधपुर संभाग में आने वाले फीडबैक लिया जा रहा है। 20 अप्रैल तक अलग अलग संभागों में आने वाले विधायकों से फीडबैक का दौर चलेगा। इसी के साथ भावी चुनावी राजनीति और रणनीति, स्थानीय मसले और फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की जा रही है। एक खेमा चाहता है कि अगला चुनाव में अशोक गहलोत को सीएम फेस के दौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। और खास बात है कि सीएम गहलोत और सचिन पायलट दोनों के संभागों का फीडबैक आज ही है। इस दौरान कांग्रेस समर्थित विधायकों को भी बुलाया गया है। विधायकों के सामने उनका रिपोर्ट कार्ड भी रखा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी अपने भाषण में जो चालाकियां करते हैं उसे वो पहचानते हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को राजस्थान कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण की शुरुआत मेरे मित्र अशोक गहलोत से करेंगे और मेरी सरकार की ऐसी की तैसी करेंगे। गहलोत ने इसे मोदी की चालाकियों का करार दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि यह सब चालाकियां मैं भी समझता हूं, मैं भी लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। राजस्थान में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। गृह विभाग के आंकड़े के अनुसार आवेदनों की संख्या 2015 से 2020 की अवधि की तुलना में 2021 और 2022 में बढ़ी है। गृह विभाग की तरफ से राजस्थान विधानसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 और 2020 में 10,992 आवेदन मिले थे, जबकि 2021 और 22 में ही शस्त्र लाइसेंस के 4,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि जारी किए गए लाइसेंस की संख्या कम है, क्योंकि 2021 और 22 में केवल 454 लाइसेंस जारी किए गए हैं। जयपुर पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने कहा है कि जयपुर सर्कल में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदनों की संख्या में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है और यहां पिछले कुछ वर्षों से लगभग इससे ही चल रहा है। कांग्रेस में चल रही सियासी खींचतान के बीच सीएम के नजदीकी नावा विधायक महेंद्र चौधरी ने अशोक गहलोत को चौथी बार सीएम बनाने की पैरवी की है। कांग्रेस वॉर रूम के बाहर मीडिया से बातचीत में चौधरी ने कहा कि गहलोत ही राज्य में कांग्रेस का फेस है। गौरतलब है कि प्रदेश में हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से भ्रष्टाचार मामलों पर एक दिन का अनशन किया था। ऐसे में राजनीतिक तनातनी के बीच मंत्री जी का इस तरह का बयान आना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान और सीएम गहलोत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इन सब की खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत साबित हो सकती है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के कारण अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र के कोरोना संक्रमित होने के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का मंगलवार को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील भी की है और गौरतलब है कि दिन प्रतिदिन प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार हाई अलर्ट पर आ चुकी है। सरकार फिलहाल चुनावी वर्ष में कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। यही वजह है कि आनन फानन में लॉ यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह पोस्टपोन कर दिया गया है। अजमेर के भीलवाड़ा मार्ग पर 35 लोगों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोग तकरीबन घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को केकड़ी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से हालत गंभीर होने की वजह से 5 को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट उगाई से भराई के बीच हुआ है। बस कांदेड़ा से केकड़ी की तरफ आ रही थी। दरअसल सोमवार सुबह बस कांदेड़ा से 7:45 रवाना हुई और करीब 8:15 दुर्घटना हो गई। इसमें खवास की रहने वाली निर्मा खारोल और पिपलाल के चेतन रैगर की जान चली गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने प्राइवेट वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है।
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अब सीएम गहलोत ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी अदावत बढ़ गई है। राजस्थान में एआईसीसी के निर्देश पर चार दिन से विधायक जनप्रतिनिधियों के फीडबैक प्रोग्राम पर आए हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा को पायलट ना तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे और न ही कांग्रेस वॉर रूम में जाकर व्यक्तिगत उनसे शिष्टाचार या मुलाकात की है। सचिन पायलट अपने तय कार्यक्रम के तहत शाहपुरा खेतड़ी के दौरे पर निकल गए हैं। समर्थित कांग्रेस विधायक और नेता भी इस दौरान सचिन पायलट के साथ मौजूद रहे हैं। तो ये धार्मिक कार्यक्रम है और हजारों हजार लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप सबकी श्रद्धा देकर मैं अभिभूत हूं। जिस संयम से, जिस प्यार से, जिस शालीनता से, जिस विनम्रता से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुझको जितना प्यार, जितना दुलार, जितना आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया है, मैं समझता हूं मैं जीवन में इसके बाद कुछ मांगने लायक नहीं बचूंगा। लेकिन आने वाले समय में भी हम सब लोगों को एक साथ मिलकर अपने प्रदेश के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए और सबसे ज्यादा मानवता की भलाई के लिए मिलकर काम करना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन समय कैसा भी हो साथियों, अभी सभी धर्मगुरु यहां बोल रहे थे, अपने विश्वास पे, अपने संकल्प पर हमें अड़िग रहना है। कोई बहकाएगा, कोई फुसलाएगा, कोई सच बोलेगा, कोई झूठ बोलेगा, लेकिन हमें अपने गिरिबान में झांकना है। सत्य की लड़ाई लड़नी है, विश्वास बनाए रखना है और सब लोगों को साथ लेकर जो चलेगा, जो संत महात्मा ज्यादा त्याग करता है, ज्यादा तपस्या करता है, ज्यादा अध्यात्म करता है, वो ज्यादा प्रसिद्ध होता है, ज्यादा व्याख्यात होता है। और राजनीति में भी अगर हम लोग अपने इतिहास को भूल जाएं, अपने परिवार समाज को भूल जाएं, गांव ढाड़ी जहां से हम निकल कर आए हैं उनकी अवमानना करें, उनको मान सम्मान न दें। अक्सर देखा है व्यक्ति जो धन प्राप्ति कर लेता है, सत्ता प्राप्ति कर लेता है तो पीछे मुड़कर देखता नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो भूल जाते हैं जब उनको देश में, प्रदेश में, समाज में बहुत बड़े वो हम बन जाते हैं। कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 19 अप्रैल को नागौर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस घेराव का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार नागौर आ रहे हैं। इस जनसभा का घेराव कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने नागौर जिले में तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा के इस महाघेराव को लेकर रविवार देर शाम मेड़ता रोड में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मेड़ता के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आगामी 19 अप्रैल को महाघेराव में पहले के लिए हुकार भरी है। बैठक के दौरान भाजपा ग्रामीण मंडल के संयोजक लक्ष्मण राम कलरू ने बताया है कि 19 अप्रैल को सुबह जिले भर के कार्यकर्ता नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर एकत्रित होंगे। मेड़ता उप प्रधान राजवीर जाजड़ा ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अनेक भाजपा नेता एक आम सभा को संबोधित करेंगे। फिर जोशी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता पैदल रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट जाएंगे और घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपेंगे। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजू राम रुणवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय पार्टी कार्यालय पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली, जिला कलेक्टर घेराव और कलेक्टर को ज्ञापन देने का कार्यक्रम 19 अप्रैल को है। वहीं मेड़ता रोड गोशाला सचिव आनंद सिंह चंदावत ने बताया है कि इस नियमित आयोजित बैठक में मेड़ता रोड के प्रबुद्ध और वरिष्ठ कार्यकर्ता
बंधुओं की ओर से घर घर संपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में नागौर के पशु प्रदर्शनी आयोजन स्थल पर एकत्रित होने का आह्वान किया है। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा नेता कैलाश लठियाल ने वर्तमान कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का और बढ़ते हुए अपराध का हवाला देते हुए कार्यकर्ताओं की इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाने का निवेदन किया। नागौर में होने वाले इस महाघेराव में मेड़ता रोड से सैकड़ों लोगों के नागौर पहुंचने की संभावना है। शुभ 24 न्यूज राजस्थान के लिए मेड़ता सिटी से इजाज़ उस्मानी की ये थी खास रिपोर्ट। श्रीगंगानगर, शिरडी, त्र्यंबकेश्वर और गणेश्वर और गोवा की यात्रा के इच्छुक यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन के जरिए यात्रा की तैयारी करवाने में जुट चुका है। इस बार भी निगम के चंडीगढ़ रीजन की मेजबानी का अवसर मिला है। श्रीगंगानगर क्षेत्र की यह पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन होगी। IRSTC के चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल गुप्ता ने बताया है कि भटिंडा से 20 मई को रवाना होकर यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शिरडी गोवा की यात्रा पर रवाना होगी। सभी सुख सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, सवाईमाधोपुर और सोगरिया से श्रद्धालु अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकेंगे। फिलहाल प्राइम टाइम खबरों में इतना ही, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए शुभ 24। नमस्कार।